नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। 3 साल पहले सर्पदंश से हुआ था मौत, युवक जिंदा घर वापस लौटा। मामला बिहार के सारण जिले का। जी हाँ, सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव में आज ऐसा हुआ जिसे देख सभी दंग रह गए। बात 2020 अगस्त की है। नागपंचमी का दिन था और एक युवक को सर्पदंश लिया और मौत हो गई। तब घर वालों ने केले का थम यानी केले के पेड़ में नाव बनाकर मथुरा धाम गंडक नदी में प्रवाहित कर दिया। उस समय बच्चे का उम्र 12 साल का बताया जा रहा है। वहीं बच्चे के पिता शंकर भगत, माता अनीता देवी का कहना है कि यह बच्चा मेरा ही है। मौत के बाद आधार कार्ड और फोटो सभी गंडक नदी में प्रवाहित कर दिए गए थे। बच्चे के बताने के अनुसार किसी साधु का नज़र गंडक में तैरते हुए बच्चे पर पड़ी। साधु ने जड़ी बूटियों से बच्चे को जीवित कर दिया और अपने साथ बंगलोर लेकर चला गया, जहां अब बच्चा की उम्र 15 वर्ष हो गया है। बच्चा साधु के साथ रहने लगा और मजदूरी का काम करने लगा, लेकिन साधु से हमेशा जिद करते रहा कि मेरे मम्मी पापा से मिला दीजिए। तो साधु ने उसे छपरा भेज दिया, जहाँ युवक ने भटकते भटकते अपने ही गांव के बगल में आ गया, जहाँ युवक के पिता द्वारा पहचान कर ली गई और लाया गया। तो उसके माँ और आस पड़ोस के लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस लड़का के 3 साल पहले मौत हो गई थी, वह कैसे जीवित होकर घर वापस लौट आया। अब यह भगवान का चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन तरैया के लिए कोई नई मामला नहीं है। हालांकि आज से 6 महीना पहले भी तरैया के गंडार में सर्पदंश के हवाला देते हुए एक छोटे बच्चे मिला था और दावा किया जा रहा था कि सर्पदंश से पहले मौत हो गया था, फिर जिंदा वापस आया है। जब उस समय मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई, उत्तर प्रदेश के रहने वाला बच्चा था और घर वालों ने पुलिस के माध्यम से अपने बच्चे को लेकर के अपने घर चले गए। अब देखना यह है कि इस बच्चे की ज़िंदगी में सच्चाई क्या है। एक तरफ माँ की ममता ने अपने पुत्र को देखकर खुशियों का आंसू बहा रही है, तो दूसरी तरफ लोग भीड़ देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखते हैं। छपरा से मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट। अभी होश में नहीं है कहीं? खड़ा करे उठाइए तो उसको कितना क्लास से पढ़ल बड़ा? मने रो सूचना क्या मिले कि कोनो लइका मिलल बटे कहीं ना? हाँ, यही कहनी बबुआ ना दिलक सब हुनका से सब मिल रहा तो नाम दिलक बोला के लिए तू कैसे गेल? सब अटी बताइए दे मन हमारे कीड़ा छू दिल कि हम घर में सुतल रही तो हमारे कीड़ा छू दिल तो ये लोग बुझल कि मर उर गए बट मर तो मबे करते लेके गलो कैला के ठाम हमको डरवा दिल नौ दिन आ सब आधार कार्ड उधार कार्ड सब डरवा दिल कपड़ा तो सब हम फेंक दिल एक साधु हमको जिया के लेके चल गए बंगलो वे सेवा कर तो मानत हो जानत हो वे कहस के हम ठाक जिया के लेके आए बारे के रख तो हम पस नदी में और दो हाथ तो हम दादी सुतरली आ हेजा बबुआ हमारे साथ सर लगा एगो नाती सुतला बीच में सुतरल के बीच में हेजा काट लेलक ओकरा ना बुझाए भर गए रोत रहा कनिका रो मम्मी हमें करे जा रहा
का दिन हो अपने को के बस बेहोशी सब डॉक्टर के ले पर सुत रही और यही जे तो यही जे चौकी जाए अरे जे पेट के नहीं खे रखो के जी यही बस सुत रही है आ सावन महीने में कटा था हम तो यहां पर थे नहीं बंगाल में लेकिन हम लोग देखे हैं थी में नेट पर मोबाइल से देखे हैं कि रंसी का हाथ जा रहा है। अच्छा आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जिंदा वापिस आ गया है? हम लोग कैसे पता चला जो है तो ये लोग तो कितने जगह गाड़ी से गया पता करने के लिए फलना साथी गया है चिलना साथी गया है लेकिन कहीं पता नहीं मिला। अब साधु कहाँ मरने के जोग हो गया बोल दिया है बच्चा से कि ये अब अच्छी नहीं है हमारे पास समर्थ नहीं है खिलाने का तुम जहाँ मर्जी करे कहा चला गया गया कैसे कैसे आया बेंगलोर गया कहाँ गया कैसे कैसे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? राम मुरत भगत। कौन है आप? उसको